हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज शेन और मैं पाकिस्तान से हूं और मैं आज रिएक्ट करने वाला हूं नेपाल के जो एक्टर्स हैं खूबसूरत उनके मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स। आई नो कि इंडिया और नेपाल में बाइक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बनिस्बत पाकिस्तान और बांग्लादेश के। मे बी बांग्लादेश में ज़्यादा हो लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा कम ही है। बाइक्स इतने जो है सुपर बाइक्स शौक नहीं रखते और एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, लेकिन नेपाल और इंडिया में मुझे पता है कि काफ़ी लोग जो है बाइक्स के शौकीन हैं, बड़े पसंद करते हैं सुपर बाइक। तो ये एपिसोड जो है नेपाली एक्टर्स के हैं, देखते हैं कि उनके पास कैसे बाइक्स हैं और उनकी प्राइस क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा पछिल्लो समय यता महँगो बाइकहरू चढ्ने मानिसहरूको जमात बढेसँगै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका एक्टरहरू पनि महँगा महँगा बाइकहरूमा उइकिन थालिसकेका छन्। त्यसैले आजको यस भिडियोमा हामी जान्नेछौँ आखिर को हुन् त नेपालको 10 सर्वाधिक महँगा बाइक चढ्ने नेपाली एक्टर्सहरू। हेलो साथीहरू, म अभिषेक मल्ल र तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ असम नेपाली ज्ञानमा। स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। दर्शक महानुभावहरू, यस लिस्टको काउन्टडाउन नम्बर 10 पर्न सफल भएका छन् निश्चल बस्नेत र उनी चढ्ने बाइक हो क्रस एक्स 250 एसी डल्ट, जसको एक्स सोरुम प्राइस एनआरएस 450,000 रहेको छ। त्यसै गरी अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 9 र नम्बर 9 रहेका छन् महानायक राजेश हमाल र उनी चढ्ने बाइक हो रोयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 बुलेट, जसको एक्स सोरुम प्राइस अहिले एनआरएस 515,500 रहेको छ। त्यसै गरी अब बढौँ काउन्टडाउन नम्बर 8 र नम्बर 8 रहेका छन् निकै नै भर्सटाइल एक्टर दयाहाङ राई र उनीसँग एनएस 200 र रोयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 गरी दुईवटा बाइकहरू छन्, जसमध्ये उनी चढ्ने एनएस 200 को एक्स रुम प्राइस 360,900 रहेको छ भने उनले चढ्ने रोयल इन्फिल्डको प्राइस भने एनआरएस 515,500 रहेको छ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 7 र नम्बर 10 रहेका छन् पल्सा र पल्सा पनि दयाहाङ राई चाहिँ दुईवटा बाइकहरू चढ्छन् र ती बाइकहरू रोयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 र R15 V3 रहेको छ, जसको एक्स सोरुम प्राइस क्रमशः एनआरएस 515,500 र 477,900 रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 6 र नम्बर 6 रहेका छन् आकाश श्रेष्ठ। आकाश श्रेष्ठ पनि रोयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 र डुक 200 गरेर दुईवटा बाइकहरू चढ्छन्, जसको एक्स सोरुम प्राइस क्रमशः एनआरएस 515,500 र 544,000 रहेको छ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, अब अघि बढौँ काउन्टडाउन नम्बर 5 र नम्बर 5 रहेका छन् प्रदीप खड्का र उनी पनि डुक 250 र इटालिजेट बुकाने 250i गरी दुईवटा बाइकहरू चढ्छन्, जसमध्ये डुक 250 को एक्स सोरुम प्राइस एनआरएस 674,000 रहेको छ भने उनले चढ्ने इटालिजेट बुकानेरको एक्स सोरुम प्राइस एनआरएस 550,000 रहेको छ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, अब अघि बढौँ काउन्टडाउन नम्बर 4 र नम्बर 4 रहेका छन् नाजिर हुसेन र उनी केटी मार्सी 390 चढ्छन्, जसको एक्स सोरुम प्राइस एनआरएस 849,900 रहेको छ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, भिडियोमा थप अगाडि बढ्नु अघि तपाईँहरू समक्ष एउटा सानो जानकारी सेयर गर्न चाहे, यदि तपाईँ पनि होलसेल र रिटेल प्राइसमा हुनुहुन्छ तपाईँको सप आउट द डिस्क्रिप्सन बक्स। दर्शक महानुभावहरू, अब अघि बढौँ काउन्टडाउनतर्फ नम्बर 3 रहेका छन् सौगात मल्ल र उनी केटिएम आरसी 390 र रोयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 बुलेट गरी दुईवटा बाइकहरू चढ्छन्, जसमध्ये केटिएम आरसी 390 को एक्स सोरुम प्राइस एनआरएस 849,900 रहेको छ भने क्लासिक 350 को एक्स सोरुम प्राइस एनआरएस 515,500 रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब अघि बढौँ काउन्टडाउन नम्बर 2 र नम्बर 2 रहेका छन् बाइकका निकै नै शौखिन मानिने नेपाली एक्टरहरूमध्ये एक अनुप विक्रम साई र उनी डुकाटी मोन्स्टर A21 र रोयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 गरी दुईवटा बाइकहरू चढ्छन्, जसमध्ये डुकाटी मोन्स्टर A21 को एक्स सोरुम प्राइस एनआरएस 24 लाख जति पर्छ भने 350 क्लासिकको भने 515,500 रहेको छ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, अब अघि बढौँ काउन्टडाउन नम्बर 1 र नम्बर 1 रहेका छन् अनमोल केसी। अनमोल केसी बेनेली लियोन सिनो 500 डुकाटी मोन्स्टर 796 र बेनेली 302R गरी जम्मा 3 बाइकहरू चढ्छन्, जसमध्ये बेनेली लियोन सिनो 500 को एक्स सोरुम प्राइस एनआरएस 9 लाख रहेको छ भने डुकाटी मोन्स्टर 796 र बेनेली 302R को क्रमशः प्राइस 21,50,000 र 8,55,000 रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै थिए नेपाली एक्टरहरूले चढ्ने भाई बहुत महंगे महंगे बाइक हैं। आई नो के इंडिया में थोड़े सस्ते हैं लेकिन आई थिंक नेपाल में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से इनकी प्राइस काफ़ी हाई हो जाती है। और वाकई इतने जो महंगे बाइक हैं ये वो लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास
अच्छा खासा पैसा हो, नेपाली रुपया हो, आपका भी करेंसी रुपया है तो नेपाली रुपया अच्छा सारा हो जिनके पास, वही है अफोर्ड कर सकते हैं। और मजे के जो बाइक्स हैं, मैंने काफी लोगों से सुना है कि रॉयल एनफील्ड और KTM के बाइक्स जो हैं वो बेस्ट बाइक्स हैं। ऑल दो पाकिस्तान में नहीं मिलते, लेकिन यू नो इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल में भी आप देख लिया कि ये काफी फेमस हैं, तो अच्छी बात है भाई। इस्तेमाल जो लोग ले सकते हैं करें और उनको एंजॉय करें लाइफ को बाइक्स पे जबरदस्त के साथ। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव रिएक्शन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।